इंदौर विजयनगर स्थित एक कंपनी के विरुद्ध एफआईआर करने का मामला तुल पकड़ चुका है। दरअसल अलका श्रीवास्तव नामक कंपनी मालिक के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको चुनौती देते हुए उनके वकील द्वारा इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हाईकोर्ट ने उक्त एफआईआर को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जिन मामलों में पीड़ित स्वयं शिकायतकर्ता नहीं हो तो उन मामलों में धारा 406, 420 में एफआईआर नहीं की जा सकती। इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता अलका श्रीवास्तव के वकील मनीष गुप्ता द्वारा प्रेस क्लब में पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी गई और मीडिया से ये अपील की गई कि इस मामले में हमारी मदद करे। एफआईआर रद्द करी है और इसमें तीन प्रमुख बिंदुओं पे एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए लॉ लेट डाउन किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने बोला है कि अगर कंप्लेनेंट खुद विक्टिम नहीं है, यानी जो शिकायत करता है वो खुद पीड़ित नहीं है, अगर उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया तो ऐसी शिकायत करता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए 420 या 406 का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। दूसरा जो माननीय न्यायालय ने बोला है वो ये है कि कई केसेस में देखने में आया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धाराओं में केस पंजीबद्ध किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस अधिनियम में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रोविजन नहीं है, तो लोगों को जितने भी जो अक्यूज होते हैं उनको मजबूरी में जेल जाना ही पड़ता है, उसके बाद रेगुलर बेल ही लेनी पड़ती है। तो दूसरा जो माननीय न्यायालय ने कहा है वो ये कहा है कि अगर कोई एडवाइजरी कंपनी एडवाइजरी फीस ले रही है तो ऐसी कंपनी के ऊपर निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन धाराओं में केस पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।